हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका LETV गुरु आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूं वीवो का V15 प्रो मोबाइल, जो कि लेटेस्ट अभी लॉन्च है 32 MP मेगा कैमरा के साथ में। आज हम इस मोबाइल को ओपन करेंगे, न्यू मोबाइल को, और इसको हम स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे कि इस मोबाइल में कैसे कौन सा फंक्शन है जो आपकी LETV से कनेक्ट हो जाएगा। प्लस इसकी वीडियो, पिक्चर, सॉन्ग हम अपने टीवी के अंदर विदाउट वायर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए, हमने ये वीवो 15 मोबाइल निकाल लिया। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यू मोबाइल है और वीवो का मोबाइल है। इसमें 32 पॉपअप कैमरा दिया है सेल्फी वाला, जो 32 मेगापिक्सल कैमरा है। फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है टीवी के लिए जो हम इसको विदाउट नेट, विदाउट कोई वायर टीवी में हम इसको शेयर कर सकते हैं, इसकी पिक्चर्स, मूवी, सॉन्ग हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसमें चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं, ये इसका 32 मेगा सेल्फी पॉपअप कैमरा है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन है जो टीवी के लिए दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाएंगे मोबाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम सेटिंग के जाने के बाद में हम पहले देख लिए कि 58 इंच का सैमसंग का LETV है, जिसके अंदर ऑप्शंस हमें कनेक्ट करना है। और इसमें हम कनेक्ट करके हमें दिखाना है कि कैसे ये मोबाइल कनेक्ट होगा। तो ये 58 इंच का स्मार्ट टीवी है सैमसंग का, हम इसमें कनेक्ट करके बताएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं वीवो का V50 मोबाइल ये मेरे पास है। अब मैं इसको इसके अंदर मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाऊंगा, क्योंकि वो जो भी कोई कनेक्टिविटी है वो सबसे पहले सेटिंग के अंदर ही मिलेगी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम V50 मोबाइल की हम सेटिंग को ओपन करेंगे। और ये इस मोबाइल के अंदर सेटिंग्स, ये इसकी सेटिंग है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन, एरोप्लेन मोड है, वाईफाई है, और सिम का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया, नीचे OTG का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप OTG लगा सकते हो, प्लस सिस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है। थोड़ी हम नीचे जाएंगे इसके अंदर, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका गेमिंग का मोड दिया हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब का मोड दिया हुआ है। हम और नीचे चलेंगे फ्रेंड्स, और नीचे जाके बाद में हम बिल्कुल नीचे जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है मोर सेटिंग, नहीं जाना है इसके नीचे। हम नीचे जाएंगे, मोर सेटिंग, यहाँ पर लिखा है स्क्रीन मिररिंग। फ्रेंड्स, के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन दिया है स्क्रीन मिररिंग का, हम स्क्रीन मिररिंग को क्लिक करेंगे। स्क्रीन मिररिंग क्लिक करने के सबसे पहले पूछेगा कि आप अपना वाईफाई को ऑन कर लीजिए, आपको डायरेक्ट वाईफाई पर ले जाएगा। अपने मोबाइल का वाईफाई आप ऑन कर लीजिए। वाईफाई से ऑन करने के बाद इसे नेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप वाईफाई ऑन कर लीजिए टीवी कनेक्टिविटी करने के लिए। जैसे हम वाईफाई ऑन करेंगे, उसके बाद हम बैक चले जाएंगे। वाईफाई हमने ऑन कर दिया, हम बैक चले जाएंगे, वाईफाई नहीं छेड़ेंगे, ऑन करने के बाद छोड़ देंगे उसको। फिर हम स्क्रीन मिररिंग दोबारा जाएंगे, स्क्रीन मिररिंग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वीडियो का, इमेज स्क्रीन छेड़ेंगे, नीचे ऑप्शन दिया है स्क्रीन मिररिंग का, हम इसको ऑन कर लेंगे। जैसे फ्रेंड हम ऑन करेंगे, अगर आपके पास सैमसंग का LETV है तो डायरेक्ट इसके मॉडल नंबर सर्च कर लेगा। अगर आपके पास सोनी का LETV है तो आपको सोनी के रिमोट में इनपुट पर जाकर आपको स्क्रीन मिररिंग सेट करना पड़ेगा, टीवी जब कनेक्ट होगा। यहाँ पर सैमसंग डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा, तो सैमसंग का स्मार्ट टीवी है, तो इसमें ऑप्शन सारे सैमसंग का टीवी का। फ्रेंड्स, तो नीचे सबसे ऑप्शन दिया है सैमसंग 7 सीरीज 58 इंच का, जो स्मार्ट LETV है सैमसंग का, हम इस पर क्लिक करेंगे। टीवी पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके टीवी पे एक मैसेज आएगा कि आपको ये अलाउ करना है, कि अलाउ करना है, डिनाई करना है एक मोबाइल कनेक्ट करने के लिए। जैसे मैं क्लिक किया तो ऊपर एक ऑप्शन आ गया, वो देखिए, वो मैं रिमोट पे इसमें अलाउ को ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो टीवी और मोबाइल आपका कनेक्ट हो जाएगा विदाउट कोई नेट, विदाउट कोई वायर, और आपका पूरा का पूरा मोबाइल आपके टीवी पर शेयर हो जाएगा। जो भी मोबाइल में चलाना चाहते हो वो आपके टीवी पर नज़र आएगा, चाहे मूवी हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे आपके मोबाइल में यूट्यूब चला रहे हो, चाहे गाना चला रहे हो, जो भी व्हाटएवर जो भी चीज़ है वो सारी की सारी चीज़ आपके टीवी पर नज़र आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीवो V15 प्रो हो या वीवो 15 हो, उसमें सारे में ऑप्शन यही दिया हुआ है। ऐसी सेटिंग में जाकर आप अपना टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, टीवी से किसी कंपनी का स्मार्ट टीवी सब में कनेक्ट हो जाएगा। बस सोनी के अंदर आपको स्क्रीन मिररिंग सेट करना पड़ेगा, सैमसंग के अंदर डायरेक्ट हो जाएगा, ये वेरिएंट है सैमसंग के अंदर। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इसमें यूट्यूब चला देता हूँ, ये यूट्यूब आ गया। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे, आगे ज़रूर शेयर कर दे, जिससे मैं आपको और नए नए मोबाइल की वीडियो बना के सेंड कर सकता हूँ कि आपकी मोबाइल कैसे कनेक्ट होगा। मैं और फ्रेंड्स भाई यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना। इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा वीवो 15 मोबाइल। थैंक यू सो मच, मैं आपका LETV गुरु आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ।